अपनी बेटियां ने अपनी छोरियां ने भी देख लिया करो रे, उनने भी समझा दिया करो। हर बार कसूर सिर्फ किसी माँ के बेटे का ना होता। अलवर के गिलाना गांव का लड़का मोहित और रेवाड़ी के चित्ता डूंगर का गांव की लड़की, ये लड़का आधी रात में उसके गांव में उसके घर पे जावे है। वह लड़की भी इंतजार कर रही थी और जब दोनों वापिस घर पे चल रहे हैं तो लड़की के दादा दादी जाग जावे हैं और दोनों आने पकड़े हैं। वो लड़का उसके इतने बुरे तरीके से मारे जावे, पूरा सर फोड़ा जावे, आंख फोड़ी जावे, पेट में घा करे जावे हैं और फिर उसके घर फोन करा जावे कि ले जाओ अपने ने। और जब वह उसका पापा और उसका काका लेने के लिए आवे हैं तो रस्ते में उस लड़के की मौत हो जावे, किसी का परिवार खत्म हो गया, किसी का बेटा खत्म हो गया। अपनी बेटियां ने भी समझाओ ना, वो पागल तो नहीं होगा ना कि किसी के बिना बुलाए घर जाता होगा, बुलाया होगा जब तो गया होगा, तो सजा सिर्फ लड़के तक क्यों? और मेरे भाइयों ना अपनी जिंदगी का नाश करो रे, जो यहाँ हंसते मुस्कुराते चेहरे थामना अपने बनावे है ना, और जब पकड़े जाओगे ना तो अगली तो बदल जाएगी, लेकिन थारा क्या होगा? ना खराब करो रे अपनी जिंदगी, चला गया ना हो गया घर का नाश।